अरे आपने तो आज व्हाइट के नीचे पिंक पहन ली, या साफ नजर आ रही है, दिख रही है, देखी नहीं आपने? देख ली है, जानती हूँ, खुद से ही पहने, अब अच्छी लग रही है ना। चलो आप आगे बढ़ो। वैसे आप लोगों का तो रोज 2 किलो खून बढ़ रहा होगा ना, क्योंकि वीडियोस आपके मतलब की बन रही हैं, आपके हिसाब की बन रही है, वो मसालेदार पूरा मलाई टिक्का। खैर, आज भी जो वीडियो है आपके मतलब का ही है और नॉलेजेबल वीडियो है, आपके बहुत काम आने वाली है। आपके कुछ सवालों के जवाब हैं, आपकी कुछ क्वेरीज हैं, वो सवाल जो हर पुरुष के दिमाग में चलते हैं, चाहे फिर वो नौजवान हो, नया नया जवान हो रहा हो, या जवानी की दहलीज पार कर चुका हो, मिडल एज मैन हो, या फिर कोई बुजुर्ग आदमी ही क्यों ना हो। पहला वो सवाल जो लोगों के अक्सर चिंतन में चलता है कि लिंग का बड़ा होना आवश्यक है। तो लिंग का बड़ा होना आवश्यक नहीं है, हाँ उसका खड़ा होना जरूर आवश्यक है। क्या खड़ा होता है आप लोगों का? उस पर फोकस कीजिए, और खड़ा होता है तो कितनी देर तक खड़ा होता है। वैसे ये जो पीनस का साइज बढ़ाने का विचार, ये जो लोगों के मन में आता है कि लिंग का साइज बड़ा होना आवश्यक है, इसके पीछे कई तरह के कारण जिम्मेवार हो सकते हैं। पहला तो यही कि लो सेल्फ स्टीम, कि उसकी खुद की जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डाउन है, वो खुद को दूसरों से कम मांगता है। और दूसरा वही घिसी पिटी मान सकता है, क्योंकि हम हैं तो इसी समाज का हिस्सा ना, जिसमें कुछ ऐसे रूढ़िवादी लोग भी रहते हैं, उनकी ऐसी मानसिकता पहले से ही सेट की हुई है। चार बड़े बूढ़े बैठे हुए आपस में कुछ बोल रहे हैं, किसी ने कुछ सुन लिया, जो नौजवान लड़का है उसके कानों में कभी बात चलेगी, उस वक्त तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसा थोड़ा सा बड़ा हुआ चाहिए तो फ्लैशबैक में चीजें घूमती है और वो जो धारणा होती है दिमाग में घर कर जाती है। वो ये कि लिंग का बड़ा होना कहीं ना कहीं उसकी मर्दानगी का सबूत देता है, तो ये चीज उसके दिमाग में घूमने लग जाती है और उसे ऐसा लगता है यार लिंग का बड़ा होना ही आवश्यक है, तभी मैं खुद में अपनी मर्दानगी साबित कर पाऊंगा। अगर इस मुद्दे पे मैं मेरी राय आप जानना चाहते हैं, क्योंकि आप आती मेरे चैनल पे मैं क्या सोचती हूँ ये जानने के लिए, तो देखिये पीनस का जो साइज है वो बड़ा होना जरूरी भी है और नहीं भी, दोनों ही सच है। अब इसमें सच क्या है कि अगर लिंग का साइज आपका जरूरत से ज्यादा छोटा है, इतना छोटा कि यार बच्चे जैसा लगता है, तो कोई भी लड़की या कोई भी महिला अंदर नहीं डलवाना चाहेगी, उसे बड़ा अजीब सा लगेगा, अंदर जाके कहीं गुम ना हो जाए, ढूंढना ना पड़ जाए इसे मुझे। तो वही अगर जो साइज है वो जरूरत से ज्यादा बड़ा है, ओवर साइज है, तब भी कोई जो स्त्री है वो बचना शुरू कर देगी कि यार ये दिक्कत करेगा मुझे, मैं नहीं ले सकती इसे अपने अंदर, ये मुझे मजा देने की बजाय सजा देगा। अब क्योंकि आप पुरुष है तो आपके लिंग का साइज होना आवश्यक है, लेकिन वो इतना साइज में होना जरूरी है कि ना तो बहुत ज्यादा छोटा हो और ना ही बहुत ज्यादा लंबा हो। एंड वी आर ब्लेस्ड, क्योंकि साइंटिस्टों का ऐसा मानना, उनकी रिसर्च कहती है कि इंडियन मेल का जो एवरेज साइज होता है पीनस का, वो 4.5 इंच से लेके 5.5 इंच तक होता है, जो कि ना तो बहुत ज्यादा छोटे में आता है और ना ही बहुत ज्यादा बड़े में आता है। और अगर आप इस साइज के मालिक हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर इससे ऊपर का साइज कोई लेकर बैठा है तो वो बोनस है उसके लिए, क्योंकि कुछ चीजें हेरिडिटी में भी चली जाती है, खली जैसे जो लोग हैं वो इसी इंडिया की ही पैदाइश है। लिंग का बड़ा होना जितना आवश्यक है, उससे कहीं ज्यादा आवश्यक उसका खड़ा होना है, क्योंकि आप साइज चाहे कोई भी लेकर बैठे हो, उसमें अगर प्रॉपर इरेक्शन नहीं है, तनाव नहीं है, तो आप किसी भी फीमेल को संतुष्ट नहीं कर पाओगे, उसको उसके जेनिटल का सुख नहीं दे पाओगे। पीनस का लंबे टाइम तक खड़ा ना हो पाना, उसके अंदर ढीलेपन की शिकायत रहना, सेक्स के दौरान उसके अंदर इरेक्शन है वो आता जाता रहना, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की शिकायत रहना, ये कुछ ऐसे कॉमन टॉपिक है जिसके ऊपर मैंने कई बार वीडियोस बनाया और कई बार अपने वीडियो में इनके ऊपर बात की है। शायद आप लोगों ने वो वीडियोस देखे हो, नहीं देखे हैं तो जाके मेरे चैनल को विजिट कीजिए, आपको इससे रिलेटेड सारी समस्याओं का समाधान मेरी वीडियो में मिलेगा। अब एक और समस्या, जो कि एक्चुअल में समस्या है ही नहीं, लेकिन कई बार लोग कमेंट सेक्शन में ये सवाल करते हैं, कल की वीडियो पे भी किसी ने ये सवाल किया है कि खड़े लिंग पे नसों का, उभरे हुए नसों का दिखना क्या ये नॉर्मल है? तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। आपने कई बार ऐसे बॉडी बिल्डर्स की पिक्चर्स या ऑनलाइन उनको देखा होगा, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि उनकी जो नसें होती हैं हाथों की या पैरों की, ऐसे उभरी उभरी आपको नजर आती होंगी, ये उनके कठोर वर्कआउट करने का नतीजा होता है। सेम चीज किसी पुरुष के साथ भी देखने को मिलती है, जब वो मैस्टरबेट करते हुए या सेक्स के दौरान बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट फील करता है, तो उसकी पीनस के नसों में ब्लड के फ्लो बढ़ने के वजह से, वहां जो ब्लड फंस जाता है, उस फंसे हुए ब्लड की वजह से उसके लिंग में कठोरता आती है और आपको ऊपर उसके जो नसें हैं वो उभरी हुई देखने को मिलती है।
जैसे वो एक बार डिस्चार्ज हो जाता है उसका इरेक्शन लूज हो जाता है, जो पीनस है वो अपनी पुरानी अवस्था में लौट आता है और आपको उसके ऊपर जो नसें हैं वो नहीं दिखती, गायब हो जाती हैं। अब एक और सवाल आप लोगों का कि फीमेल के जो ब्रेस्ट होते हैं, जो निप्पल होते हैं, तो समझ आता है, उसका अर्थ समझ में आता है कि किस लिए है, कि उसे प्रेग्नेंट होना होता है, अपने बच्चे को दूध पिलाना होता है और सेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका रोल है। लेकिन ये जो मेल बॉडी में जो निप्पल होते हैं इसका क्या अर्थ होता है? जब तक बच्चा भ्रूण अवस्था में होता है, मतलब माँ के गर्भ में जब तक वो भ्रूण अवस्था में होता है, उसका पूरा शरीर विकसित नहीं होता, तब तक उसका जेंडर डिसाइड नहीं होता कि वो मेल है या फीमेल। और अगर मान लो कि वो मेल ही होता है तब भी उसका जो जेंडर है वो काफी टाइम बाद जाके डिसाइड होता है और तब तक निप्पल बन चुके होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग का टेढ़ापन क्या है कोई बीमारी है? इसके ऊपर तो मैंने अभी रिसेंटली वीडियो अपलोड किया है, डिटेल में इसके बारे में बताया हुआ, लेकिन फिर भी क्योंकि इस वीडियो में मैं लिंग के ऊपर ही स्पेशली आज ये वीडियो बना रही हूँ तो आपका ये क्वेश्चन मैं उठा लेती हूँ। अमूमन जब किसी पुरुष का लिंग खड़ा होता है एक्साइटमेंट के बाद, तो ज्यादातर जो पुरुष है उनका जो पीनस है वो लेफ्ट राइट अपवर्ड या डाउनवर्ड की तरफ थोड़ा सा झुक जाता है। नाक की सीध में किसी का खड़ा हो ऐसा कम ही होता है, लेकिन कम ही होता है। अगर सेक्स के दौरान जब आप इंटरकोर्स करते हैं अपने फीमेल पार्टनर के साथ, इन आउट करते हैं और आपको कोई ऐसी समस्या पैदा नहीं होती, इजीली सब कुछ हो जाता है, कोई दर्द, कोई परेशानी, कोई सूजन ऐसा कुछ महसूस नहीं होता, कोई अड़चन नहीं आती, तो आपका ये जो टेढ़ापन है ये साधारण है, ये किसी भी बीमारी का संकेत नहीं है। वहीं इसके विपरीत अगर आपके पीनस में इतना ज्यादा टेढ़ापन है कि जब आप इंटरकोर्स करते हो तो आपको परेशानी होती है, समस्या पैदा होती है, दर्द होता है, पीनस के अंदर खिंचाव होता है, तरीके से हो नहीं पाता, वो इन आउट वाला सेशन आपके लिए प्लेजरेबल नहीं होता, आपको दिक्कत परेशानी होती है, तो ये जरूर आपके साथ किसी बीमारी का संकेत हो सकता है, जो आपको पता ना हो, कोई गांठ हो जो आपको पता ना हो, तो आपको इसके लिए किसी स्पेशलिस्ट, किसी डॉक्टर, किसी एंड्रोलॉजिस्ट से मिलने की जरूरत है। अगर आपके साथ ये समस्या है, सेक्स करते वक्त आपको परेशानी होती है या गांठ या दर्द की शिकायत होती है, तो आप किसी डॉक्टर से मिलिए, देर ना करें। अब कुछ लोगों को एक समस्या होती है फोरस्किन की, कि उनकी जो लिंग की चमड़ी जो है वो ऊपर की ओपन नहीं हो पाती, खुल नहीं पाती, जिसकी वजह से उन्हें सेक्स करते हुए दिक्कत होती है, उन्हें यूरिन के टाइम पे अपनी स्किन को पीछे करके यूरिन पास आउट करने में दिक्कत होती है। इसके लिए आपको चाहिए कि आप ऑयल लगा के, सरसों का तेल आप यूज कर सकते हैं, आप उस जगह पे ऑयल लगा के स्किन को ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके स्ट्रेच करें, कुछ दिनों में वो फ्लेक्सिबल होके नीचे उतर आएगी। वैसे तो इस चीज से सॉल्यूशन हो जाता है, कितने ही लोग, नए नए छोकरे जो होते हैं मैस्टरबेट कर करके अपने स्किन को नीचे कर ही डालते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके साथ ये दिक्कत हो रही है, जो कि कुछ एक लोगों के साथ देखा जाता है कि उनकी जो फोरस्किन इतनी टाइट होती है कि ना तो ऑयल मसाज किसी काम आती है और ना ही मैस्टरबेट करके उनको सॉल्यूशन मिलता है कि फोरस्किन नीचे हो जाए, तो ऐसे लोगों को चाहिए वो डॉक्टर से कंसल्ट करें। वो एंड्रोलॉजिस्ट जो होगा वो आपके लिंग का स्टेटस देखेगा कि कहाँ दिक्कत, क्या परेशानी आ रही है, और उस हिसाब से वो आपको ट्रीटमेंट सजेस्ट करेगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने पुरुष के विशेष अंग के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करा है, वर्णन किया है, और उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होगा आपकी हर एक समस्या का। जितनी मैं इस 8 मिनट की वीडियो में समस्याओं का निवारण दे सकती थी आपको मैंने दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।